नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है, और इस बार जो कारण है वो ये है कि एक प्रोफेसर ने, जिसका नाम जितेंद्र है, उन्होंने वहां पे हिंदू देवी देवताओं का एक बार फिर से अपमान किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हो रहा है। अक्सर हम देखते हैं बॉलीवुड फिल्म के नाम पर भी ये होता है, कहीं स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर भी ये होता है। तो सवाल ये उठता है कि हमेशा हिंदू देवी देवताओं को ही क्यों चुना जाता है ऐसे उपहास उड़ाने के लिए और अपमान करने के लिए। तो इसी मुद्दे पे आज चर्चा होगी। हिंदू देवी देवताओं को रेपिस्ट दिखाना, ब्रह्मा विष्णु इंद्र सबको एक प्रेजेंटेशन जो कि काफ़ी वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी, उसमें दिखाया जा रहा है कि ये रेपिस्ट है। तो ये किस तरह के प्रोफेसर और कहाँ से ली हुई है इन्होंने अपनी डिग्री? देखिए जी, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मेरा नाम खुद दीपक शर्मा है। मैं हिंदू होने के बाद भी हमारे को पिछले 70 सालों से और पिछले 5000 और जितनी हमारी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में सिर्फ एक सबसे, इस चीज़ को आप बुरी भी बोल सकते हैं और अच्छी भी बोल सकते हैं, हर चीज़ की दो परिभाषा है कि हमारे में कोई कितना भी बड़ा क्राइम कर दे, कितनी भी बड़ी कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर ले हिंदू देवी देवताओं के लिए, हमारे में क्षमा और माफ़ी जो है वो बहुत जल्दी दे दी जाती है। यही चीज़ होती आ रही है, मगर अब इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। अब युवा जाग गया है, इसका जवाब सरकार को, प्रशासन को, उस व्यक्ति को सज़ा देनी पड़ेगी, उसे वहाँ से रेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसके साथ जो भी कानूनन कार्रवाई है। अगर यही चीज़ किसी और धर्म के लिए, धर्म विशेष के लिए, या किसी और धर्म के लिए, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सांप्रदायिकता वाली बात करना उचित नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी संस्कृति हमें अलाउ नहीं करती कि हम किसी की भी जात पात को गलत कहें, मगर इनको पहले के साथ होता तो क्या होता? किसी और धर्म के साथ होता तो शायद हम आज यहाँ पर बहन खड़े नहीं होते, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, आप यहाँ खड़े होते, क्योंकि धारा 144 लगा दी जाती, जगह जगह दंगे होते, आगजनी होती, उसका विरोध किया जाता, मजबूरन सरकार को फिर उनको बंद करना पड़ता, उठा के उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होती, वो कट्टरवाद होता। आज से नहीं मजाक बनता आ रहा है, मैं केवल 33-34 साल का हूँ, मैं बचपन से पिक्चरे देखते आ रहा हूँ कि केवल हिंदुओं की पिक्चरों में, आप पीके देख लीजिए, पीके में शिव जी को भगाया जा रहा है बाथरूम की तरफ, जमीन में वो कुर्सियों के नीचे से भाग रहे हैं। आप किसी और धर्म के देवी देवताओं को भगा के दिखाइए, और बहुत से धर्म है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, ये प्री प्लान है। हिंदुओं के मेजोरिटी में भी होते हुए ये हिम्मत कहाँ से आई? हिंदुओं के मेजोरिटी में, मैंने आपको बताया ना कि इनके अंदर एक भावना है, इनके अंदर जो सोच है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा, माफ करने की, ये माफ करने की सोच अब इनको खत्म करनी पड़ेगी। अगर ये माफ करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, हमारे साथ खुलेआम नाम पूछ के मजाक बनाया जाएगा हमारा, चाहे वो हमारी बहन बेटी हो। अभी इन प्रोफेसर साहब ने भी माफ़ी मांग ली है, उनको माफ़ी मिली। अगर मैं भी, देखो मैंने आपको बताया, मैं भी मांग सकता हूँ बहुत कुछ बोल के, मगर शायद हो सकता है कल मेरी फ़ोटो टंगी हो और मेरे क्या कहते हैं, मरने के बाद लोग मेरे लिए इंसाफ मांग रहे हो, या मेरी डेड बॉडी जो है वो थाने के आगे रख कर है और उसका प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि वहाँ कट्टरवाद है, वहाँ पर धर्म विशेष जो है वो कट्टरवाद दिखाकर इतना डराया हुआ है। हमारे में तो जो जयचंद जैसे कुछ हिंदू लोग ऐसे हैं जो उनका समर्थन करते हैं, जो उनको कहते हैं माफ कर दो, अब माफ करने वाला जमाना नहीं है। मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे वो किसी भी राज्य में ये घटना हुई हो, ये योगी जी के राज्य में जैसे घटना हुई है जो बता रहे हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, और जितनी अधिक धारा लगे जो धर्म के खिलाफ बोले, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अगर हिंदू भी बोलता है, अभी तक तो खैर मैंने किसी हिंदू को देखा नहीं इस तरीके से बोलते। और पहली बात ये है कि ये प्री प्लान होता है, इतना बड़ा प्रोफेसर अगर ये बात बोल रहा है तो उसको पहले से ही सिखा के भेजा गया, ये प्रोपेगेंडा है कि आपका आज विषय ये है कि आपने आज हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक बनाना है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना है। आप बताइए वो प्रोफेसर कैसे हैं? कोई राह चलते हैं आपने रिक्शे वाले से, या कोई ऑटो वाले से, या किसी कूड़ा बिनने वाले से तो ये चीज़ नहीं पूछी, या उसने मीडिया में हाईलाइट नहीं करी? प्रोफेसर AMU का, इससे पहले भी वहाँ बहुत घटनाएँ ऐसी हुई है जो हिंदी देवी देवताओं को टारगेट करा गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, जिन्ना की तस्वीर की वहाँ पर बहुत सी बातें हुई है, बहुत निंदनीय घटना है। इस चीज़ों के लिए सरकार को ये जो घटनाएं हो रही है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो सरकार अगर एक्शन लेती है, सख्त कार्रवाई करती है, तो क्या ये एक लेके नहीं फिर चला जाएगा कि जो योगी सरकार है वो कट्टर हिंदूवादी है? देखिए मैंने आपको पहले बताया कट्टर हिंदूवादी, अच्छा इसका मतलब अगर
वो भगवान ना करे किसी और धर्म के लिए बोलते, अगर उसको जब वो बंद करते तो क्या मतलब वो उनके समर्थन में सरकार होती? मैंने आपको बताया कि धर्म कोई सा भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। मगर ये हिंदुओं की, मैं खुद हिंदू हूँ, ये हिंदुओं की मतलब कि ये खुद गलती है कि हम लोगों को माफ़ करते हैं, माफ़ करते आ रहे हैं। जहाँ थोड़ा कट्टरवाद के मैं खिलाफ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कट्टरवाद होना चाहिए, मगर कुछ धर्म विशेष या कुछ जातियाँ ऐसी हैं जहाँ अपने देवी देवताओं का, भगवान का थोड़ा सा भी अपमान जो है वो धर्म के लोग बर्दाश्त नहीं करते, उसका जवाब वो न्यायालय से पहले खुद दे देते हैं। तो ये बहुत निंदनीय घटना है, अगर ऐसा उन्होंने कहा है, माफ़ी इसका हल नहीं है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर सरकार सज़ा ना दे तो हम जैसे युवा जो है वो अब जाग चुका है, हमें सज़ा देनी आती है। जो जैसी भाषा का इस्तेमाल करेगा, मैं वही योगी जी वाली बात बोलूँगा, उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अच्छा, बीते कुछ दिनों में आपने देखा होगा खास करके जो घटनाएँ हुई बंगाल में, जो हुआ हिंदुओं के ही खिलाफ, फिर अभी गोरखपुर में मंदिर में अटैक होता है वो भी हिंदू मंदिर के ऊपर, अभी राजस्थान के करौली की जो घटना हिंदुओं के ऊपर पथराव होता है, फिर अभी ये एएमयू की भी घटना, तो ये क्या हो रहा है? जहाँ पे मेजॉरिटी में है वहीं पे क्यों हिंदुओं पे ऐसा हो? 2014 के बाद देश में जो प्रधानमंत्री बने हैं वो पूर्ण बहुमत से एक मजबूत सरकार बनी है जिसको गिराना मुश्किल ही नहीं असंभव है। पहले ये ईवीएम में ठेकड़ा फोड़ते थे, जब इनको लगा कि नहीं ईवीएम के लिए बोलना ठीक नहीं, पब्लिक जागरूक है, फिर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने माइंड वॉश करना शुरू कर दिया है, हमने नहीं मतलब बीजेपी वालों ने। अच्छा, इस देश में अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो उसको ये बीजेपी वाला आरएसएस वाला बताते हैं, मोहर लगवा रखी है क्या भाई हमने? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र की बात करता है तो उसको ये बीजेपी वाला बोलते हैं, कोई देश के विकास की बात करता है तो उसको ये बीजेपी वाला बोलते हैं। ये 2014 के बाद बता रहा हूँ मैं आपको मीडिया के माध्यम से। अगर कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता है तो ये बोलते हैं ये पक्का बीजेपी का भक्त है। क्यों बीजेपी का भक्त है? तुम्हें क्या परेशानी है? अगर हम कोई राष्ट्रहित में बात कर रहे हैं तो क्या किसी ने मोहर लगवा रखी है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसी देश में देश के प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी द्वारा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि इनको युवा पीठ पर डंडे मारेगा, पीठ पर डंडे मारेगा, आपने उनका बयान सुना होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा जाता है और पार्टियों द्वारा, कुछ लोग जेल में भी हैं, उनकी रेल बन गई, वो जेल में भी हैं मगर अब वो चुप है। इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए? इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए, चाहे योगी सरकार हो, चाहे ये किसी भी राज्य में हो। राजस्थान में जो घटना हुई है, राजस्थान में घटना हुई नहीं, ये भी कराई गई है। ये जो करौली में हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, ये हमारे मंदिर से कभी हो ही नहीं सकता। उनको भड़काया जाता है, कुछ परसेंट लोगों को गुमराह करा जाता है, उनको कट्टरवाद भरा जाता है, उनको एक अपने धर्म के लिए इतना भर चुके हैं, इतना भर चुके हैं। जो शिक्षित है वो डॉक्टर है, मुस्लिम भाई वो इंजीनियर है, वो बहन प्रोफेसर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम का बयान दिखा दीजिए जो ये कह दे मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। गोरखपुर मंदिर पे हमला हुआ है, हमला करने वाला आईआईटी ग्रेजुएट है, आपके वो भी मुस्लिम है, आईआईटी ग्रेजुएट है, लेकिन ऐसे हथियार लेके मंदिर में पहुंच जाता है। देखिए, उसको मैंने सुना है मीडिया के माध्यम से, मैं तो गोरखपुर गया नहीं हूँ, कि उसको किसी ने मानसिक तौर पर कमजोर बताया है। अगर वो मानसिक तौर पर कमजोर है तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, क्या उसने अपनी माँ के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? उसने अपने अपने पिताजी के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? उसने अपने घर के आसपास लोगों के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? ही क्यों हमला? उसको पहले ही मैंने आपको बताया कि 2014 के बाद एक जो ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए, जब यहाँ भजनपुरा में रहता हूँ, इस लाइन को आप काटिएगा नहीं, इस मुद्दे को भी इसलिए उछाली क्योंकि ये दिल्ली का मुद्दा है, भजनपुरे में मैं रहता हूँ जहाँ दंगे हुए थे 2020 में, ट्रंप आया था उसी टाइम पे ही दंगे क्यों हुए? ताहिर हुसैन हमारे वहाँ जो निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के, मेरे को किसी पार्टी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, उनके यहाँ लोहे के गुलेल मिले, और गुलेल ऐसे जो पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे गुलेल से युद्ध हुआ करते थे, उस टाइम पे बंदूकें और ये बम एटम बम नहीं होते थे, उस गुलेल बम में इतने मोटे कपड़े की लुगदी बना के उसमें आग लगा के लोगों के मकानों पे और लेंटरों में फेंका जा रहा था, उनके मकान से क्यों फेंका जा रहा था? ये इनको सख्त से सख्त जो एएमयू में हुआ है और करौली में जो घटना हुई है, 70 दुकानों को फूंक दिया,
प्री प्लान मस्जिद से पत्थर फेंके जा रहे हैं, तुरंत पत्थर कहाँ से आएंगे आप बताइए मीडिया के माध्यम से। पत्थर ला के पहले इकट्ठे करने पड़ते, जैसे दिल्ली में भजनपुरा में करावल नगर में पहले इकट्ठा करे गए थे पत्थर, और वो गोला बम जो उन्होंने तैयार करा हुआ था, और साथ के साथ इन्होंने अभी एक वहाँ राम मंदिर भी गिराया राजस्थान में, जो एक गेट था चूरू में बताया गया है। क्यों इन्होंने गिराया? जब वो एक आप किसी भी मजार और मस्जिद में ऐसी हरकत करके दिखाइए, क्योंकि आपको पता है हमारे वोट बेकार हो जाएंगे। वो जो जात है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो उसका विरोध करेंगे, फिर कट्टरवाद वाली बात हो जाएगी। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सोए हुए हैं, बिजली पानी दिल्ली में माफ और दिल्ली दारू पी के साफ। अब 25% छूट है, पहले एक के साथ एक बोतल फ्री थी, पहले ही लोग यहाँ पर दारू पी के सड़कों पर भंड होकर चलते थे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँ, दारू पी के पहले ही लोग भंड होकर चलते थे, जो कुचलते थे लोगों को, जब उनको एक के साथ एक दारू फ्री में बांटी जा रही है। कहाँ ये इनका, ये अन्ना हजारे जी की टीम से आए थे, कहाँ था इनके ये मुद्दों में कि हम दारू भी माफ़ कर देंगे? बिजली पानी तो झूठ, बिजली पानी माफ़ और दिल्ली दारू पी के साफ, पूरी दिल्ली को इन्होंने नशेड़ी बना दिया। 25% ये छूट दे रहे हैं दारू में, इनको और चीज़ों में छूट देनी चाहिए, इनको पेट्रोल में अपनी तरफ से छूट देनी चाहिए ना। अब तो यूक्रेन मुद्दा चल रहा है तो रेट बढ़ गया, पहले कम था, आज सब्जी सस्ती है तो सब्जी का मुद्दा बताओ ना, आप सब्जी के बारे में क्यों नहीं बोलते? 25% आज भी दारू में छूट है। ये सिर्फ छोटा सा मैं मुद्दा सिर्फ इसलिए भटकाया मैंने, बहुत निंदनीय घटना है। और ये जो प्रोफेसर साहब थे, मैं प्रोफेसर साहब जैसे लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, अब हिंदू जाग गया है, मेरे जैसे दीपक शर्मा जैसे लोग, मेरे जैसे दीपक शर्मा जैसे लोग हिंदुस्तान में जाग चुका है। बोलने से पहले एक लाख बार सोचना हिंदू देवी देवताओं के बारे में, जिस भाषा में आप बोलोगे उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो। आप किसी भी जात धर्म का अपमान ना करें, ना सांप्रदायिकता का देश में माहौल बनाएं, पढ़े आगे बढ़ें, और देश पढ़ेगा जब ही आगे बढ़ेगा। बीजेपी की किसी भी, दो मिनट में आपसे लेना चाहूँगा, बीजेपी की किसी भी ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि ये स्कीम सरदारों पर लागू नहीं होती, सिख पर, या ये स्कीम मुस्लिम पर लागू नहीं होती। सब में लिखा है सबका साथ और सबका विकास, चाहे उसमें हिंदू भाई चला जाए चाहे मुस्लिम भाई चला जाए, सबको वो सुविधाएं मिल रही है। तो प्रोफेसर साहब अगर इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, अगर आप ईंट मारोगे तो उसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर पहला मेरा सवाल यही है कि हिंदू देवी देवताओं को ही क्यों? देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, हिंदू देवी देवताओं की विविधता भरे परिवेश में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी कथाएं, कल्चर संस्कृति का विकास हुआ, उसमें कुछ कहानियां हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी किसी को पता नहीं है, कोई अथेंटिक जानकारी नहीं है। दूसरी बात है, राम से हमारा ज़्यादातर संवाद शुरू होता है और आगे तक जाता है। प्रोफेसर्स को मैं पूछना चाहूँगा, ये कौन सी टीचिंग का क्लास आप चला रहे थे, कहाँ आपको इनवाइट किया गया था, विषय क्या था, किसने कहा कि आपको इस विषय पर प्रेजेंटेशन देनी है, और ये इसके फैक्ट कहाँ से आपको मिले? जो फैक्ट्स हमारे देश में अवेलेबल हैं वो तो हमारे प्रोफेसर को पता नहीं है। चार पैसे का प्रोडक्ट बनाने की किसी प्रोफेसर की औकात नहीं है, सिर्फ बच्चों के कंधों पर बंदूक रख करके फायर करने का काम आज प्रोफेसरों का बचा हुआ है। देश में इनको कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रक्टिव एवरीथिंग्स करना है। ऐसी कौन सी अथेंटिक कहानी, जब तक आपके पास एक प्रोफेसर होने के नाते कोई अथेंटिक कहानी नहीं मिलती, अथेंटिक सोर्स नहीं मिलता, आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ कैसे कह सकते हैं, मेरे बारे में कुछ कैसे कह सकते हैं? तो ये एक मनगढ़ंत कहानी के ऊपर प्रोफेसर की गंदी भद्दी सोच का सिर्फ दुष्परिणाम, मानसिक दुष्परिणाम का एक आप प्रमाण देखते हैं और कुछ नहीं। अभी आपने ये देखा, ये गोरखपुर में जो हुआ, मुर्तजा नाम का एक व्यक्ति हथियार लेके पहुंच जाता है, पुलिस वालों से हाथापाई करता है, राइफल छीनने की कोशिश करता है, फिर राजस्थान के करौली में जो हुआ, तो ये चल क्या रहा है देश में, क्या ये कोई सोची समझी साजिश चल? मैं एक चीज आपको बता दूं, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो मेरा एक स्पष्ट राय ये है कि जैसे एक एग्जांपल है, खाने पीने में थूकना, पेशाब मिला देना, ये मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, ये हर मुस्लिम जानता है, ठीक है। लेकिन कोई मुस्लिम बोल नहीं रहा, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सब जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। किसी मुस्लिम से आप प्राइवेट में जाके पूछ ले, हर कोई जानता है इस बात को, बड़ा मुस्लिम हो, छोटा मुस्लिम हो, मौलवी हो, सब जानते हैं, सब चुप हो जाते हैं। जब ये अपनी बुराइयों पर चुप हो जाते हैं तो बुराई भयंकर नासूर बन जाती है। जब ये अपने क्राइम पर चुप्पी छसाद लेते हैं तो इनके क्राइम करने का तरीका नाशूर बनने लगता है। जब ये अपनी कमियों पर चुप्पी साध लेते हैं, चाहे इनका नेता हो, मौलवी हो, साधारण व्यक्ति हो, ये डराए भी बहुत जाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिमों के द्वारा इतनी डराई जाती है कि वो उसके नेता हो, मौलवी हो, सच बोल दे तो अगले दिन उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा।
तो ये डर की स्थिति और अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने की जो इनके अंदर कल्चर है, यही इनकी बुराई की सबसे बड़ी जड़, यही इनके अपराध की सबसे बड़ी जड़। और जो व्यक्ति अपनी बुराई को एक्सेप्ट ना करता हो, अपनी की गई गलतियों पर एक्सेप्ट ना करता हो, उसके सुधरने की, अच्छा होने की कोई गुंजाइश नहीं। हर एक भी देखिए कि हिंदू धर्म कोई टारगेट क्यों जा रहा, किसी भी देश को बर्बाद करना है अगर तो वहाँ की संस्कृति को पहले बिगाड़ दिया जाए। यही वो जाकिर साहब थे, जो वो यही करना चाहते थे। जाकिर साहब कोई कम इंटेलिजेंट नहीं थे, उन्होंने हमारा भी ज्ञान लिया, अपना भी लिया, उसके बाद में फैलाना कि जहाँ नेगेटिविटी दिखाई दी उनको, उसको समाज में लाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि हिंदू धर्म जो इतनी सालों से सभ्यता है उसको बर्बाद करके नवयुवकों को वो गलत रास्ते पर ठोका जाए। यह उनके मेजॉरिटी में है, फिर भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कैसे हो जाता है और किसी और धर्म के खिलाफ क्यों नहीं किसी की हिम्मत? ऐसा है कि जब आपने बॉलीवुड की कई पिक्चरें देखी होगी, नाम तो मैं नहीं लूँगा, उसमें जब मजाक हो रहा है तो सेंसर ने क्यों नहीं कह रहा उसको? आप दूसरे धर्म को करो ना, आप दूसरे धर्म पर भी क्रिटिसाइज करके हंसी मजाक कॉमेडियन क्यों बनता है? हिंदू धर्म में इसलिए बनता है कि हिंदू जो है कुछ बोलता नहीं, बहुत साधारण आदमी है, उसके यहाँ सिर्फ एक सब्जी काटने वाला छुरा मिलता है, लेकिन और समुदाय में कुछ और भी मिलता होगा, और वो धरना प्रदर्शन करने में एक नंबर है। अगर हम भी हिंदू धर्म भी आप करें ना 80% है या 90% है, वो भी जाकर धरना धरते, फिर 20% का क्या होगा? क्योंकि धरना नहीं धरते। हिंदू जो है बहुत ही साधारण सभ्य आदमी है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो सहता है, वो सरकार का काम है, पार्टियों का काम है, वो किस तरीके से उस पर एक्शन लेते हैं, और आज तक कोई एक्शन नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए का बर्बाद हो जाता है जरा सी देर में, करोड़ों रुपए का, चाहे कोई भी रैली हो, जेएनयू की घटनाओं पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल एक्शन लेने की ज़रूरत है, सारी पार्टियों को मिलकर के एक्शन लेना होगा, तब ये जाकर सुधरेगा। एक MLA या एक MP 5 लाख से ऊपर के लोगों को रिप्रेजेंटेट करता है। अगर वो एक बार ये कह दे कि रेप करना बहुत गलत बात है, धरना दूसरे की समुदाय को अपने हक को ही ले, दूसरे को बर्बाद कर रहे हो, तो मुझे लगता है इतनी जल्दी फ़र्क पड़ेगा कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो AMU के प्रोफेसर के साथ क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या लगता है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।